हेलो गाइस, आज जो मैं लेके आई हूँ आपके लिए स्नैक्स, वो बहुत ही मज़े के हैं। ये देखें, हमने सारे फ्रूट्स को काट लिए है, एज़ यू कैन सी। ये देखें, छोटे छोटे आपने जो है वो इसके इस तरह से इसको कट कर लेना है। ये बिल्कुल ही जो है वो इसके अंदर मैंगो है, बनाना है, एप्पल, पीच और पोमीग्रेनेट। इसके साथ जो मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ, ये मेरे पास मौजूद है डेट्स। ये बहुत ही सॉफ्ट चॉकलेटी डेट्स इसको बोलते हैं, और साथ में आलमंड्स। आलमंड्स का आप चाहें तो आप इनको थोड़ी देर के लिए सोक कर दें और फिर इनका जो रिमूव कर दें इनका छिलका। ये देखें, ये मैंने छोटे स्मॉल पीसेस में काट लिए हैं। इसको मैं सबसे पहले ऐड कर दूँगी इसके अंदर। स्नैक्स का बेसिकली मकसद ये है कि आप जो है वो न्यूट्रिशन भी आपको मिले। ये देखिए, मैंने इसमें ये आलमंड्स एज इट इज़ और डेट्स ऐड कर दिए हैं। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और साथ ही इसके अंदर मैं क्रीम ऐड कर दूँगी थोड़ी सी, उससे भी बहुत मज़े का टेस्ट आ जाएगा। एज़ यूजुअल, अब तक आपको पता चल गया होगा, मैं हमेशा ऑल पर्स की क्रीम यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही रिच क्रीम है और टेस्ट में भी ये बहुत ही मज़े की है। बाकी जो मिल्क पैक वगैरह हैं वो इतनी मज़े की टेस्ट में नहीं है। देखिए, बस इतनी सी ऐड करती है, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। गिव इट अ गुड मिक्स। हमारी फ्रूट चाट रेडी है एज अ स्नैक्स। आप इसको एज इट इज़ सर्व करें या फिर आप इसको जो है वो नेस्फ्रूटा जूस के साथ सर्व करें। एज यू कैन सी, मैंने नेस्फ्रूटा जूस लिए हैं, मैं इनके साथ इसको सर्व करूँगी। बहुत मज़े के ये जूस हैं। आप सिंगल पैक मैंने इसीलिए लिए है, ये सिंगल पैक है। सिंगल पैक्स मैंने इसीलिए लिए है ताकि इजीली जो है वो ना आपको इतने ग्लासेस यूज़ करने पड़े, ना आपको जो है वो खटना पड़े, आप इजीली जो है वो इसको निकालें और बस पी लें। ये देखें कितना मज़े का यमीएस्ट टेस्ट, तो इसका बहुत ही मज़े का होगा और लुक भी इसकी बहुत मज़े की लग गई है। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक और स्नैक्स जो आज के लिए मैंने बनाए हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। सेकंड स्नैक्स की तरफ चलते हैं। सेकंड स्नैक्स जो हैं वो भी हमारी बहुत ही न्यूट्रिशन के हवाले से बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। इसके अंदर अब एक एक डेट्स के अंदर मैं क्रीम ऐड करूँगी। सीड्स आपने इसके रिमूव कर देने हैं। ये मैंने इसके सब सीड्स जो हैं वो रिमूव कर दिए और इसमें मैं थोड़ी थोड़ी जो है वो क्रीम ऐड कर रही हूँ। सीड्स रिमूव करने का फ़ायदा ये है कि अब जो भी जिसने भी खाना है तो वो एज़ अ होल इसको पिक कर सकता है, उसको जो है वो सीड वगैरह रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। एक एक करके आपने सारी, ये एज अ स्नैक्स यूज़ होते हैं इस तरह से। ये भी मैं क्या करूँगी, इसमें साथ ही साथ एक एक आलमंड जो है वो इसके अंदर रख दूँगी इस तरह से, और इसको बंद कर देंगे जस्ट लाइक दिस। बहुत ही यमी है ये आलमंड्स। देखे ना आपको आलमंड्स भी, आपने इसमें आलमंड्स भी आ गए, उसके न्यूट्रिशन भी पूरी हो गई, साथ में जो है वो क्रीम की डेरी न्यूट्रिशन पूरी हो गई, साथ में डेट्स तो एज अ होल एक पूरा न्यूट्रिशन फैक्ट्री है। तो ये हमारे हो गए सेकंड स्नैक्स। अब हम चलते हैं अपने थर्ड स्नैक्स की तरफ, वो भी बहुत मज़े के हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जी, तो आप गेस कर पा रहे हैं कि इसके अंदर क्या होगा, ऑब्वियसली। चलिए जी, हमारा जो थर्ड स्नैक है वो है हमारी चिकन बिरयानी। देखिए कितनी ये मज़े की लग रही है चिकन बिरयानी। मैं इसके अंदर, इस बाउल के अंदर ऐड कर दूँगी। एज यू कैन सी, इसके अंदर जो है वो अचार भी ऐड हुआ है। ये देखें अचार, ये देखें आलू बुखारा, इससे बिरयानी का टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। ये देखें गाजर का अचार, तो ये चीज़ें इसको और मज़े का बना देती हैं। तो ये हमारी जो थर्ड स्नैक फूड है हमारी चिकन बिरयानी, वो भी रेडी है।
आप इसको आराम से जो है वो गर्म कर लें और उसको सर्व कर लें। बहुत ही मज़े की ये तीनों रेसिपीज़ हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसके साथ ही साथ जो है वो ये जूस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नेस्ले यू नो ऑल टाइम फेवरेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।